पिछले बारे बस भाई कैसा बैठे चांगली डेस है। और यहाँ पे हम लोग शिवसेना भवन के यहाँ पे रुके हैं सिग्नल के यहाँ पे। रास्ते में क्या व्लॉग बना रहा है अबे सिग्नल है उड़ गए तुला खेलता है गरीब भी क्रिकेट खेलता है कभी कभी। शूज नहीं पहना होता ना तो यहाँ पे डाया भी मारता मैं। ए बैटिंग का इतना हावड़ा है अभी उससे मांग रहा है ये मेरे को एक बॉल खेलने दे। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो आज है सैटरडे और मुझे छुट्टी है और विशाल को भी छुट्टी है तो हम लोग दोनों बोर हो रहे थे तो सोचा क्या करें। तो हम लोग का एक दोस्त है अमीन करके तो वो फूड ब्लॉगर है तो उसने मेरे को कॉल किया था और मेरे को बोलता है कि तुम लोग जाएंगे क्या एक रेस्टोरेंट में वहाँ पे सिर्फ जाना है खा के आना है और फोटो या थोड़ा सा वीडियो निकालना है बस। तो मैंने विशाल को पूछा तो विशाल बोला चल घर पे ही है तो थोड़ा घूम के आएंगे। तो हम लोग अभी जा रहे हैं दादर जाने का फिश करी राइस ऐसा कुछ नाम है रेस्टोरेंट का तो दादर में जो कोहिनूर स्क्वायर है उसमें है। तो लेट सी ऑलरेडी लेट हो गया है तो फटाफट निकलते हैं। अभी हम लोग दादर स्टेशन से बाहर आ गए। एक्चुअली मैं कुछ शूट नहीं कर पाया क्योंकि हम लोग को बहुत लेट हो रहा था। बाद में उसका कॉल आया तो उसने बोला कि 3 बजे तक ही रेस्टोरेंट है पर हम लोग को बहुत लेट हो रहा है इसलिए हम लोग अभी फास्ट फास्ट जा रहे हैं थोड़ा भी टाइम नहीं है तो लेट से मैं आपको मिलता हूँ थोड़ी देर में। शांग का क्या फेमस है इसको बहुत कुछ पता है दादर के बारे में क्या फेमस है क्या कुछ नहीं। होटल फेमस है हाँ मैक्स मॉल है इतने सगळे हाँ मैक्स मॉल तो सगळ्यांनाच माहिती आहे। आणि आपले बाळासाहेब ठाकरे त्यांनी स्वतः बांधला होता शिवसेना भवन तो पण आहे पुढे आता तिथेच चाललो आहे आपण कोहिनूर तिथे चाललो आहे आपण कोहिनूरच्या समोरच शिवसेना भवन आहे तू पण आहेस ना बाळासाहेबांचा कट्टर। भाई बाळासाहेबांचा कट्टर शिवसैनिक आहे मी। खूप गरमी आहे यार मुंबईमध्ये खूप जास्त गरमी आहे खूप जास्त। तो दादर में जो फेमस बिल्डिंग आहे कोहिनूर स्क्वेअर उसमें हॉटेल लेट सी देखते आपको बताता हूँ। कुठे मॉल आहे हां पूरा मॉल आहे अरे मी इथे पहिल्यांदा बघतोय एवढं सगळं। अरे बास 3 पण तिथेच आहे पाहिजे काय सगळं इथेच आहे यार है ना सगळं पूर्ण पूरा हे मेको कोण पता नाही मी तो काय कॉमर्शियल आहे का हे तर हॉटेल्स अँड मॉल जैसा आहे सब। लेट्स सी काय बोलतो बाकी कसा वाटतं हॉटेल हॉटेल आहे आणि तो ॲक्टर आहे सोहम बॉईज 3 पिक्चरमध्ये त्यांनी काम केलं आहे नंतर ओळख करून देतो मी तुम्हाला। हे विशालला माहिती आहे मला नाही माहिती कारण मी मराठी मूवी जास्त बघत नाही। मी आल्या म्हणजे मी त्याच्या प्रीमियरला गेलो होतो म्हणून मी त्याला डायरेक्ट किचनमध्येच ओळखतो बहुतेक तो शेफ आहे कारण मी आल्यावर डायरेक्ट किचनकडे लक्ष दिलं तर तो तिकडे म्हणजे कुक कुकिंग करत होता। मी त्या इकडच्या ओनरला विचारलं पण की तुमच्या इथे जो कामाला येतो ॲक्टरच आहे का तुमचे हा ॲक्टरच आहे आता भेटू आम्ही तुम्हाला ओळख करून देऊ देतो नाही मी आल्याला तेच बघितलं की तू किचनमध्ये डायरेक्ट मी त्यांना बोललो मी बोललो पण सोहम आहे ना किचनमध्ये म्हटलं तुला चांगलं ओळखतो म्हणजे तुला इंस्टावर बरोबर फॉलो केलं आहे हां अरे खरंच मी आल्याला तेच बघितलं मी त्यांना फोनवर पण तेच विचारलं किती वर्ष झाली बॉईज 3 तरी पण माझ्या प्रॉपर लक्षात होतं की तो तूच आहे लाखाचे हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं खाने के लिए कैसे कैसी कैसी है अपन तो फिश लवर है बस भाई कैसा बैठे चांगली टेस्ट है। वैसे ये बहुत सारे अवार्ड्स मिले ये रेस्टोरेंट को मतलब फिश करी राइस को ये रेस्टोरेंट का नाम है जो वो यहाँ पे सब लिखा है आई मीन लगा है लोगों ने जो अवार्ड्स मिला है वहाँ पे भी लगा है। नाटक जो मतलब नाटक होता है मराठी में वो सब इधर लगा है और बहुत सारे एक्टर्स लोग भी आके गए हैं बहुत सारे फोटोज है आप इंस्टाग्राम पे इनके पेज को फॉलो करके देख सकते हो सब। तो हम लोग अभी खा के निकले मतलब सब हो गया शूट वूट थोड़ा करना था इसलिए हम लोग रुके थे
अभी हम लोग थोड़ा शिवाजी पार्क घूमने जा रहे हैं। मतलब यहाँ से मेरे को एग्जैक्ट रास्ता नहीं पता है, विशाल को पता है तो वो लेके जा रहा है। और यहाँ भवन है और यहाँ पे हम लोग शिवसेना भवन के यहाँ पे रुके हैं सिग्नल के यहाँ पे। मॅचेस चालू वाटत हे सगळं। मी पहिल्यांदा इथे आतमध्ये येतोय, कधी गेलो नाही आतमध्ये, पहिल्यांदा येतोय। बहुत सही लग रहा है। बाकी तुला मी तुला प्लेयर दाखवतो, अजिंक्य राणे, रॉबिन उत्तप्पा वगैरे इथे अजून पण खेळतात। हा अजिंक्य राणे तो इथे प्रॅक्टिस करणे आता ही आहे। रॉबिन उत्तप्पा, रॉबिन उत्तप्पा पण इथे। अजिंक्य राणेची बिल्डिंग आहे ना कुठेतरी इकडे मागे, इकडे मागे इथे आहे ना, इधर किधर तो आहे। उसके घर से बहुत मस्त व्ह्यू आहे। मला वाटलं की अजिंक्य राणे वगैरे येत असतील तर म्हणजे थोडा बंद वगैरे असेल घंटा, असं काय नाही। ओपन मध्ये खेळतात ते, मास्क बीस लावून बोलतोय तर नेट बीट मध्ये येऊन प्रॅक्टिस करतात। हा अरे तिथे पवेलियन वगैरे पण आहे। मी पहिल्यांदा इकडे पहिल्यांदा आलो आतमध्ये शिवाजी पार्क मध्ये। त्याची बिल्डिंग पण आहे ना। हा तिपा तिपा दिसली, तिपा पाठीमागे दिसली काय। तो विशाल बोलला होता ना रे, कोण अजिंक्य राणेचं स्वप्न होतं जेव्हा मी मोठा होईन, जेव्हा कधी पण तेव्हा माझ्या ग्राउंडच्या समोर शिवाजी पार्क समोर घर घेईन, म्हणजे माझ्या घरातनं शिवाजी पार्क दिसलं पाहिजे। आणि शिवाजी पार्क पण दिसतो आणि बीच पण दिसतो, पूर्ण सिलिंगचा व्ह्यू मी स्वतः बघितलंय त्याच्या घरात जाऊन। मग यहाँ पे हम लोग को अजिंक्य राणे की बिल्डिंग दिख गई है। वो वाली जो है ना, जो फ्लैट है वो, उसमें विशाल विशाल मेरे को बता रहा था कि वो लास्ट, मतलब वो उसके बिल्डिंग में काम करने गया है क्योंकि उसके चाचा लोग का कंपनी है, मतलब तो उसके थ्रू वो गया था। तो एक फ्लोर पे खाली दो ही फ्लैट है, तो उसने टॉप के दोनों फ्लैट लिए। यस राइट, सही पकड़े हो। तो एक अपना रेलवे साइड का व्यू है और एक यहाँ ये साइड का व्यू है, मतलब स्टेडियम का, अपना ग्राउंड के साइड का और बीच के साइड, मतलब घर में से दोनों जगह दिखता है। शिवडी का समुंदर भी दिखता है और इधर बांद्रा का भी समुंदर दिखता है। वी आर स्ट्रेट फ्रंट ऑफ राज ठाकरे बंगलो। अबे लहान लहान पोरांची मार खातो काय। ये बैटिंग का इतना हावड़ा अभी उससे मांग रहा है, ये मेरे को एक बॉल खेलने दे। हेलो फेकून मार दो थाम। चल चल तुम टाकते आणणार आहे आता। अभी के जब भी मैच आयपीएल चालू होते तो सब लोग आते, रिंकू सिंह ये सब, तो इधर पब्लिक जमा होती रहेगी ना। नहीं तो आता मी याला कॅच उडवतोय, बघूया कॅच पकडतो की नाही। खेलता है गरीब भी क्रिकेट खेलता है कभी कभी। शूज नहीं पहना होता ना तो यहाँ पे डाइव भी मारता मैं। लड़का जो नाम कार्तिक देवेंद्र, कार्तिक देवेंद्र, नाइस टू मीट यू। तरी झाला तर आम्हाला विसरू नको क्रिकेट वगैरे। हा काय आता किती वर्ष आहे? 11 साल काय? मग बी एस एफ टूर्नामेंट खेळता इथे इथे काय करता? बॅटिंग ओपनर, बड़ा होएगा तो भूलना नहीं हम लोग को।
छत्रपति शिवाजी पार्क में पहली बार आया, मतलब अंदर, और मैंने आपको सब दिखाया, अजिंक्य रहाणे की बिल्डिंग, राज ठाकरे का घर, मतलब मेन शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैचू है वो ही नहीं दिखाया, और यहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू है आप देख सकते हो। बट मेरे ख्याल से वो थोड़ा मतलब दिखने में नहीं आ रहा है, तो या थोड़ा कुछ मतलब थोड़ा बाहर या पूरे स्टेडियम में से दिखना चाहिए था। दिखने में आ रहा है वो, रोड वरून मक्षील तो बरोबर दिसतो, हातून काय व्यवस्थित ठिकाणी आहे तो बरोबर आहे, काहीतरी काय बोलतात त्याला मेंटेनन्स करून त्याचं लाईट वगैरे काहीतरी दाखवलं पाहिजे, लाईट दिवसा असते, रात्रीची लाईट असते त्याच्यावर, तू येत नाही म्हणून तू काय पण बोलू नको इथे, समजलं? ओके सॉरी माय मिस्टेक। हा असं बोल, इथे गणपती महाराज, गणपती बाप्पाचं पण मंदिर आहे, मस्त छान मंदिर आहे एकदम। हम लोग घूमते घूमते दादर चौपाटी पे आ गए, और यहाँ पे मैं आपको व्यू बताता हूँ, बहुत बढ़िया व्यू है, बट यहाँ पे बहुत ज्यादा धूप है। कोई भी दे दो, काला खट्टा दो, काला खट्टा वो ऐसा दोगे क्या? चम्मच वाला, कांडी वाला है, चम्मच वाला, कांडी ग्लास नहीं दोगे? कांडी ग्लास, कांडी ग्लास कैसा आता है? हाँ मत ऐसा देना, मतलब वो बोल रहा है कि उसमें डुबाने के वाला, बहुत मेहनत लग रही है भाई। जेली नहीं है, जेली हाँ, जेली नहीं है। चल भारी व्यू है रे, भाई क्या ही व्यू है, क्या ही, क्या ही है, क्या ही। और गोला खा रहे हैं हम लोग यहाँ पे बैठ के, छोटे टॉप, अच्छा थे मतलब, तिथे विराट कोहली जीवन बिल्डिंग आहे माहिती आहे, आपण गेलो होतो एकदा, पण ती दिसत नाही इथून, तिथे आमच्या ऑफिसच्या बाजूला, ॲक्च्युली हम लोग अभी घर पे जा रहे हैं, अभी बहुत थके, लाइक बहुत गर्मी भी हो रही है।